YAMAHA FZ-X 150 पूरी तरह से अब रेडी हो चुकी है। इसको पहली बार जो स्पोर्ट आउट किया गया था ये यमुना एक्सप्रेसवे पे टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। अभी जो इमेज निकल कर आ रहा है ये अटल टनल पे इसका शूटिंग के दौरान देखा गया है, जो कि कुछ टाइम में ही इसका जो ऑफिशियल लॉन्च इवेंट होता है, लॉन्च वीडियो होता है, वो जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका शूटिंग चालू है और इसका जो प्रोडक्शन मॉडल है ये पूरे तरीके से रेडी हो गई है। तो अगर लॉन्चिंग की बात करें कि इसमें कब लॉन्च होगी, प्राइस क्या होगा, क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, हम इस वीडियो में सारे चीज़ों के बारे में कवर करने वाले हैं। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये XSR सीरीज में होने वाली है, बट अब इस पर फ्यूल टैंक पे आप क्लियर देख सकते हैं कि इस पर FZX का ब्रांडिंग दे दिया गया है। ये XSR सीरीज में नहीं होने वाली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये XSR की 250 होने वाली है, बट यमहा ने कुछ टाइम पहले ही अपने ट्रेडमार्क में FZX का रजिस्टर्ड करवाया था रजिस्ट्रेशन, और ये बाइक FZX ही होने वाली है। ये एक रेट्रो डिजाइन में बाइक को लॉन्च करने वाली है यमहा बहुत जल्द ही आपके शोरूम में, आपके इंडिया में। जो इमेज सामने निकल कर आया है उसमें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें तीन कलर ऑप्शन अब देखने को आपको मिलने वाला है। पहला होगा ब्लू, फिर ऑरेंज एंड थर्ड होगा ब्लैक। तो ये तीन कलर ऑप्शन में हमें FZX जल्द ही इंडिया में देखने को मिलने वाली है। ऑल LED सर्कुलर हेडलैम्प देखने को मिलेगा और अल्मोनियम का ब्रैकेट देखने को मिलेगा हेडलाइट के दोनों साइड में। टेल लैम्प की बात करें तो इसमें भी आपको LED यूनिट देखने को मिलेगा, और टर्न इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियर इमेज में देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर का आपको बल्ब देखने को मिलने वाला है टर्न इंडिकेटर में, फ्रंट एंड रियर दोनों में। फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है वो रेट्रो लुक में दिया गया है, ज्यादा मस्कुलर नहीं दिया गया है FZS V3 की तरह। स्टाइलिश फ्यूल टैंक एक्सटेंशन बनाया गया है और यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर सस्पेंशन यूज किया गया है, रियर में मोनोशॉक ऑब्जर्वर को लगाया गया है, और साथ ही आपको इसमें फोर गेटियर्स भी देखने को मिलने वाला है। रेडिएटर गार्ड भी इसमें दिया गया है, फ्लैट सीट का डिजाइन रखा गया है और अप राइट हैंडर बार से और सेंटर में फुटपैक्स आपको दिए गए जिससे आपको एक कंफर्टेबल राइड मिल पाए। और अगर इसके एग्जॉस्ट को देखें तो अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट का डिजाइन बनाया गया है, और साथ ही इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको अभी डुअल डिस्क देखने को मिलने वाला है, बाद में जाके इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल सकता है। ब्रेकिंग डायमेंशन की बात करें तो फ्रंट में 280mm का आपको साइज ब्रेक का साइज देखने को मिलने वाला है, एंड रियर में आपको 220mm का डिस्क प्लेट का साइज देखने को मिलने वाला है। अभी ये स्टैंडर्ड में आएगा, बाद में इसमें ABS को इंक्लूड किया जाएगा। इंजन की बात करें तो इसमें पहले जो FZ V3 और FZS V3 150cc का इंजन यूज किया जाता था वही इंजन आपको इसमें भी देखने को मिलने वाला है। 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FIBS6 इंजन देखने को मिलने वाला है, जो 7250 RPM पे 12.2 BHP की पावर जनरेट कर देगी और 5500 पे 13.3 Nm का टॉर्क जनरेट कर देगी, और साथ ही इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स भी देखने को मिलने वाला है। यमहा FZX 150 में आपको 2020mm का लेंथ मिलने वाला है, और विथ की बात करें तो 785mm का विथ होने वाला है, 1115mm का हाइट होने वाला है, और व्हील बेस 1330mm का होने वाला है। ग्रोस व्हीकल वेट की बात करें तो 289kg होने वाला है। 17 inches का व्हील दिया गया है और डुअल पर्पज ट्यूबलेस टायर यूज किया गया है इस बाइक में। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस होने वाला है वो 1,04,000 से लेकर 1,20,000 के अंदर होने वाला है। तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि इसका लॉन्च डेट कब का है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया मार्केट में। तो आप हमें बताएं कि आपको इस बाइक का लुक कैसा लगा है, क्या आप इस बाइक को लेना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले वहाँ पर अपडेट दे देता हूँ जो भी बाइक का न्यूज़ अपडेट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।